फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी चाहते हो तो बेल आइकॉन को प्रेस करो। वेलकम टू विपुलास किचन। फ्रेंड्स, आज हम चने की दाल के खमन बनाने वाले हैं, तो चलो हम उसकी शुरुआत करते हैं। खमन बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है, जिसको मैं वॉश करके और फिर 3 से 4 घंटा सोक कर लूंगी। देखो, ये हमारी दाल सोख होके रेडी है। अभी हमको उसे पीसना है, तो पीसते टाइम ये पूरा पानी नहीं लेना है, जितना जरूरत होगा उसके हिसाब से हम पानी लेंगे। ये 3 मिर्च ली है, एक टुकड़ा अदरक को मैंने कट करके रखा है, दही और सॉल्ट डाल के हमको सबको पीस लेना है। और दही की मात्रा उसमें बहुत ध्यान रखना, ज्यादा पड़ जाएगी तो खट्टा हो जाएगा। अगर ठंडी है तो 1 चम्मच और गर्मी है तो आधा टीस्पून ही दही लेना है। आप देख रहे हो, अभी बहुत कम मात्रा में मैं दही ले रही हूँ। अभी उसको दाल को पीसने से पहले मैंने 1 टीस्पून दाल अलग से निकाल दी है, और बाकी की दाल को मैंने पीस लिया है, और बारीक नहीं पीसा है, दरदरा ही पीसा है। तो आप इसे ही पीसना और उसको ओवरनाइट रख देंगे। अभी सुबह हम उसमें से खमन बनाएंगे। देखो, अभी ये ओवरनाइट हमारा फर्मेंट होके रेडी है। अभी उसमें से खीरा ढोकला बनाने के लिए मैं 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अभी 102 टेबल स्पून जितना हम ऑयल उसमें लेंगे। ऑयल लेने से हमारे खमन बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसमें। अभी उसमें मैं 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट, जो इनो होता है, वो ऐड करूंगी, और इनो ही लेना है क्योंकि उससे खमन का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अभी उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी ये ढोकले में पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और थाली को भी ग्रीस करके रखा है। अभी पूरा बैटर हम थाली में लेके उस पतीली में 15 से 20 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारे खमन बनके रेडी है, थाली बाहर निकाल लेंगे और उसको 10 मिनट का टाइम देंगे। अभी मैं खमन को कट कर दूंगी, और थोड़े 2-3 पीस में चटनी बनाने के लिए ले लिया है मैंने, और उसको थाली को, देखो ये चटनी, फरसान की चटनी बनाने के लिए ये थोड़े से खमन, थोड़ा धनिया, 3 चिली, 4 से 5 फुदीने के पत्ते, उस और ये थाली के जो खमन है उसमें मैं उसका तड़का लगा दूंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून तेल लिया है, और 1 टीस्पून राई ऐड करके मैं खमन को तड़का लगा दूंगी, और चम्मच से ही हमको ये वघार को ऊपर डालना है, तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा पूरा। अभी चटनी बनाने के लिए पूरी सामग्री मैं चटनी बाउल में ले रही हूँ। थोड़ा सा नींबू का रस लेंगे हम। अभी खमन में सॉल्ट है तो हमको धनिया और फुदीना चिली के हिसाब का ही हमको ब्लैक सॉल्ट लेना है, तो वो ऐड करूंगी मैं। 1 टीस्पून शुगर ऐड करूंगी, और हमारी पानी की बोतल जो होती है उसके 2 ढक्कन में ठंडा पानी ऐड करूंगी, और ठंडा ही पानी लेना है तो चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अभी उसको पीस के चटनी हमारी रेडी है। आप देख सकते हो चटनी का कलर कितना अच्छा है। तो हमारे ढोकले रेडी है सर्व करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।